नमस्कार दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान के साथ साथ लोगों के लिए भी एक पहेली बने रहते हैं। भारत में अनेक ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जो आज भी शोध का विषय बने हुए हैं। इन मंदिरों में कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें साक्षात देखा जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर एक ऐसा दीपक जलता है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आमतौर पर दीपक जलाने के लिए तेल या घी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर सुनने को मिले कि दीपक को पानी से भी जलाया जा सकता है तो आप सोच में पड़ जाएंगे। परंतु यह सच है, यह चमत्कार साक्षात देखने को मिलता है गड़िया घाट माता के मंदिर में। मंदिर में सालों से जल रहा है पानी से दीपक। पूरे भारत में दुर्गा माता के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और देश भर में माता के कई मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों में होने वाले चमत्कारों को पूरा संसार जानता है। एक ऐसा ही चमत्कारिक मंदिर मध्य प्रदेश के नलखेड़ा के गांव गड़िया घाट में स्थित है। नलखेड़ा से इस मंदिर की दूरी 15 किलोमीटर है। इस मंदिर में तेल या घी की बजाय पानी से दीपक जलता है। भक्तों के अनुसार यह दीपक कई सालों से जल रहा है। माता ने दिए थे पुजारी को सपने में दर्शन। कहा जाता है कि इस मंदिर के पुजारी सिद्धू सिंह सौंधिया बचपन से इस मंदिर में सेवा निभा रहे हैं। सालों पहले यहाँ पर दीपक घी या तेल से ही जलाया जाता था, लेकिन एक बार माता ने स्वयं उनके सपने में आकर कहा कि अब इस दीपक में तेल डालने की जरूरत नहीं, अब यह दीपक पानी से जलेगा। उसके बाद पुजारी ने पास ही बहने वाली काली सिंध नदी से पानी लेकर दीपक जलाया तो वह जलने लगा। तब से लेकर आज तक इस नदी के पानी से दीपक जलाया जाता है। पानी से कैसे जलता है यह दीपक? इस दीपक के जलने के पीछे के रहस्य को अब तक कोई नहीं जान सका, लेकिन कहते हैं कि जब इस दीपक में नदी का पानी डाला जाता है तो वह एक चिपचिपे तरल पदार्थ में बदल जाता है और दीपक उस पानी से जलने लगता है। बरसात के मौसम में नदी में डूब जाता है मंदिर। यह दीपक लगातार जलता रहता है। केवल बरसात के मौसम में नहीं जलता यह दीपक, क्योंकि बरसात के मौसम में काली सिंध नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है, जिसके कारण इस मंदिर में पूजा करना मुश्किल हो जाता है। बरसात के बाद शारदीय नवरात्रों के पहले दिन फिर से यह दीपक जला दिया जाता है, जो बरसात के अगले मौसम तक लगातार पानी से ही जलता रहता है। मंदिर तक कैसे पहुँचे? यह मंदिर तहसील नलखेड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर से नलखेड़ा की दूरी 150 किलोमीटर है और उज्जैन से 100 किलोमीटर। वहीं भोपाल से नलखेड़ा की दूरी 180 किलोमीटर है व शाजापुर से नलखेड़ा 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, यह थी गड़िया घाट माता के मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।